लग जागने के फिर ये हसी रात हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात लग जागने I'm so thankful that I could talk to you. So there's so many things, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गया ना. आई मीन आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट कुछ 2 महीने पहले, एंड माई पेरेंट्स हैव सीन अ चेंज इन मी, माई फ्रेंड्स हैव सीन अ चेंज, माई टीचर्स हैव सीन अ चेंज. माई नेम इज आस्था एंड आई एम अ स्टूडेंट. आई एम परसुइंग बीएससी इकोनॉमिक्स राइट नाउ एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड. बट अभी जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, आई थिंक आई विल हैव टू ड्रॉप माई आइडिया एंड चूज अ डिफरेंट फील्ड विच माइट नॉट हैव एनीथिंग सिमिलर टू माई चॉइस, बिकॉज ऑफ विच आई मे नॉट बी एबल टू गिव माई 100% इन टू इट. सो हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली सो दैट आई डोंट रिग्रेट इन फ्यूचर दैट आई हैव चोजन अ करियर और अ फील्ड इन विच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड और मे बी आई वॉजंट पैशनेट अबाउट इट. तो बेसिकली एक फील्ड को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं, डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, माँ बाप का भी बढ़ गया है, और आपको भी कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो टू वे थिंकिंग अबाउट इट कि करें या ना करें, करेक्ट? और एक ऐसा फील्ड है जो आपके माँ बाप ने आपके लिए चूज किया है. उन्होंने नहीं चूज किया है, पर वो मेरे फिलहाल, जैसे मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो उसमें आगे जा सकती हूँ. आई एम ऑलरेडी स्टडिंग दैट, तो आई विल नॉट बी सैड डूइंग इट, पर शायद 100% नाप दे पाऊं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में हमेशा से इंटरेस्ट था. तो बेसिकली आप फिल्म डायरेक्शन करना चाहती हैं और इकोनॉमिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इस समय जो हम सुन रहे हैं उसकी वजह से माँ बाप डर गए हैं और उनको लग रहा है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजना है, तो वो चाहते हैं आप इकोनॉमिक्स करो. प्रॉब्लम है कि सर अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें कि अब छोड़नी है ये वाली इंडस्ट्री तो आगे जाके बस रिग्रेट ना करें. नहीं, देखो मेरी बात सुनो. हम ना बहुत जल्दी जिंदगी के बारे में कहानियां बना लेते हैं. हमने बहुत जल्दी कहानी बना ली कि अब ये इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा, अब इकोनॉमिक्स करने के बाद एमबीए करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन छूट जाएगी, फिल्में छूट जाएंगी, मैं जो करना चाहती थी मेरा पैशन छूट जाएगा, मेरा इंटरेस्ट वहां पर है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है. हम क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं चीजों को. लेकिन क्या होता ना आस्था, आपने अगर इकोनॉमिक्स कर भी ली, करने के बाद एमबीए भी कर ली, बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं, आपको आई एम श्योर पता होगा, बमन ईरानी जी ने इतनी सारी चीजें की 50 साल के बाद, उसके बाद एक्टिंग शुरू की या डायरेक्शन शुरू की या फोटोग्राफी शुरू की. तो ये जो फील्ड की जिसकी आप बात करोगे, मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूं तो इसके लिए पूरी पूरा समय ही समय है आपके पास. आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, माँ बाप भी अपनी जगह थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, आपको भी थोड़ा लग रहा है कि शायद इस समय जाना सही नहीं है, आप अपना इकोनॉमिक्स करें. आप एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए भी करें, एमबीए 3 साल की होती है बस, 30 साल की नहीं होती है. 3 साल के बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा समय है फिल्म डायरेक्शन का, और खासकर फिल्म डायरेक्शन की जहां तक बात है, एक्टिंग में तो फिर भी वैसे आज के डेट में एक्टिंग में भी किसी उम्र की कोई कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिल्म डायरेक्शन में तो कोई बाउंड्री ही नहीं है. मतलब आप लोग 70 साल में, 75 साल में भी फिल्म डायरेक्शन कर सकते हैं. तो आपके पास आगे के 40-50 साल हैं अपनी जिंदगी में, जो आप करना चाहते हैं कर लें. हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गए, जो हम चाहते हैं वैसे ही हो. कभी कभी जिंदगी में चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, कुछ अलग तरीके से होती हैं. और एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी आज कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी आप करेंगे, चाहे वो एमबीए भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसमें भी आपको अपना पैशन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे फिल्म डायरेक्शन में भी काम आएगा. हमें ऐसा लगता है कि ये तो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? मैंने तो क्रिकेट भी खेला है प्रोफेशनली, फिर मैंने एमबीए भी की है, फिर मैंने एक्टिंग भी की है, फिर मैंने प्रोड्यूसिंग भी की है, फिर मैं शेयरिंग भी कर रहा हूं. अब सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली जिंदगी में ना सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. हर चीज कुछ ना कुछ आपको दे के चली जाती है, आपको समझ में नहीं आता. आप जब फिल्म डायरेक्ट करोगे या फिल्म डायरेक्शन में जाओगे, आपकी एमबीए की जितनी भी सोच है, जितनी भी समझ है, जितना भी लोगों को ऑब्जर्व किया है, वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैं अपने एमबीए के अंदर, मुझे याद है एमिटी बिजनेस स्कूल में, मैं हमेशा डांस क्लासेस करता रहता था. सो आई यूज टू परफॉर्म इन डांस, आई यूज टू परफॉर्म इन द फैशन शो, आई यूज टू परफॉर्म इन एक्टिंग. आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. जब मैं एमबीए कर रहा था, मैंने भी उस समय, क्योंकि समझ नहीं थी, तो मन मार के किया था.
क्योंकि मुझे क्रिकेटर बनना था, क्रिकेटर बन नहीं पाया था, तो पापा ने कहा एमबीए करना, मैंने सोचा एमबीए करना ही पड़ेगा तो कर लेते हैं और खत्म करते हैं इसको, फिर आगे के आगे देखेंगे। मैंने जब एमबीए करनी शुरू की तो आप मानेंगे नहीं, पहले सेमेस्टर से पहले ही महीने में, क्योंकि सीनियर्स और जूनियर्स का इंटरेक्शन होता है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यू नो स्टेज पे बुलाया डांस करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, मैंने सब में अपना हाथ खड़ा कर दिया था। मैंने कहा मैं सब में पार्टिसिपेट करूंगा, क्यों? क्योंकि ताकि मैं बहुत सारी चीजों को कर सकूं और सीख सकूं। और फिर मैंने एंड में, मुझे याद है, मैंने वहां कोरियोग्राफी की थी, तो मैंने खुद क्रिएट भी किया था और साथ में डांस भी किया था। और मैंने अपने मॉम डैड को जब दिखाया था, 10 मिनट या 12 मिनट की कोरियोग्राफी थी, आई वाज मैनेजिंग ऑल दी अदर यू नो कंटेस्टेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंड माय कलीग्स, और मैंने इतना कमाल का वो क्रिएट और परफॉर्म किया था कि मेरे डैड ने वाकई में खड़े होकर क्लैपिंग की थी, उनको लगा था पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, जबकि वो इन सब चीजों के स्टार्टिंग में अगेंस्ट थे। और हुआ क्या, धीरे धीरे वही जो सीखा हुआ था ना आने वाले वक्त में भी काम आया, और साथ में जो मैंने एजुकेशन ली एमबीए इंस्टीट्यूट में, उसने मुझे बहुत समझ दी जिंदगी के बारे में, ताकि मैं एक्टिंग को भी वहां इम्प्लाई कर सकूं जहां पे लोग इम्प्लाय नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होता कि हम आज एक चीज पकड़ लेते तो जिंदगी भर वहीं चलेंगे। जिंदगी ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा चीजें बदल जाती हैं, हमेशा बदलती ही रहेंगी। आपके पास जो है, देखो क्या है ना आस्था, अगर आज किसी कारणवश हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रीजन है उसके लिए और आपको लग रहा है वो रीजन सही है, तो जो दूसरा काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को झोंकना भी सही होता है, क्योंकि उसमें अगर आपने अपना 100% देखना सीख लिया तो आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे कर्म होंगे, बहुत सारे शोज होंगे, बहुत सारी फिल्में होंगी, बहुत सारे डायरेक्शन का काम होगा जहां आपका मन नहीं करेगा उसको करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को, लेकिन हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आपको करना पड़े। आपके पास 2 साल से, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके पास 2 साल से काम नहीं है, आप एक डायरेक्टर हो, आपको एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन आप चाहोगे अंदर से करना कि नहीं, तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीजें मन मार के करनी पड़ती हैं, लेकिन आप उसको मन मार के ना करें, इससे बेहतर अपना 100% उसमें भी झोंक दें, शायद उसमें से पता नहीं क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल जाए। जो हमें लगता है ऑर्डिनरी है, वो पता नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कब बन जाए जिंदगी के अंदर, करेक्ट? तो जो हमारे पास है, जब हम उसमें 100% देना सीख लेते हैं, तो हम आने वाले वक्त में जो हमारे मन पसंद का होगा उसमें भी 100% देना सीख लेंगे। यहां से इस 100% देने से कुछ नया निकल के आएगा। जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना आस्था, तो समझ में आएगा एवरी डॉट इज ब्यूटिफुली कनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे से अपने आप कनेक्ट हो जाएगी, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन आपको सिर्फ उस पाथ पे चलना है। हर इंसान के पास बहुत समय होता है अपनी जिंदगी जीने के लिए, हमें लगता है कि माँ बाप ने अब ये कह दिया, अब तो मन नहीं कर रहा इसको करने का, ये तो मजबूरी में करना पड़ेगा, मेरी तो लाइफ निकलती जा रही है, मैं खत्म होता जा रहा हूं, मैं खर्च होता जा रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2-3 साल की बात होती है, उसके बाद की जिंदगी तो आपकी अपनी है। और हो सकता है 1-1.5 साल में कोई ऐसा रास्ता निकल जाए बीच में ही, जैसे एमबीए करते करते 1 साल में मेरा रास्ता निकल गया, अचानक से जी सिने स्टार्स की खोज हो गया, ऑल इंडिया टैलेंट हंट हुआ 1 साल के बाद भी, और मैं बॉम्बे चला गया अचानक से, उसके बाद बॉम्बे ही रहा, फिर मैंने वो आगे कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने प्लेसमेंट्स की ही नहीं कहीं पर, मैंने कहीं नौकरी की ही नहीं, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप ही रास्ते खुल गए। तो जिंदगी में रास्ते खुलते कभी देर नहीं लगेगी, 100% देना सीखते हैं और इसमें भी मजा आएगा, तो लेकिन मजे करना आना चाहिए, मतलब उसको समझना आना चाहिए, उसको एंजॉय करना आना चाहिए। सेल्फ लर्निंग, खुद करते रहो, खुद को प्रिपेयर करते रहो। जब आप खुद को प्रिपेयर करोगे एक डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला ऐसे हाथ रख देगा, कहेगा बेटा तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, रास्ता मैं तेरे लिए खोलता हूँ। तो प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी बिकम्स लक। सोच बदली है थोड़ी सी बहुत हाउ नाइस इज दैट, वंडरफुल। हमें पता है आप गाती बहुत अच्छा है, तो गाना सुना दो एक। आई रियली लाइक योर सिंगिंग। लग जागने के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। लग जागने से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये।
आए फिर से जन्म में मुलाकात हो, लग जागने से ये बहुत कमाल का गुण है आपके अंदर, ये कब कैसे कहां काम आ जाएगा जिंदगी में पता नहीं, इसको हमेशा पॉलिश करते रहना, इट विल ट्रूली हेल्प यू। I'm so thankful that I could talk to you. So there's so many things, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई है ना। I mean, I was so under confident कुछ दो महीने पहले, and my parents have seen a change in me, my friends have seen a change, my teachers have seen a change. They never knew कि मैंने ऐसे आपके संग कभी बात की है, कुछ क्लासेस की है, but last to last week, my teacher called my mom and said, उन्होंने कहा कि आज तो मैं बहुत सारे changes दिख रहे हैं। वो पॉजिटिवली बात करती थी पहले, पर अभी वो बहुत हैप्पी लगती है नॉर्मली क्लास में बात करते हुए। हाउ नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो हैप्पीनेस और वो स्माइल ही तो चाहिए बस चेहरे पे, वही तो होनी चाहिए जिंदगी में, तभी तो हम हंसते खेलते जिंदगी को अच्छे से बिता पाएंगे। डेफिनेटली वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। It's always a pleasure, and you're a beautiful singer. I don't need to say that, but it was always a pleasure talking to you. Thank you so much. God bless you. All the very best for life.